मुंबई के मलाड स्थित इन्फिनिटी मॉल में नागरिकों की वैक्सीन की सुविधा को ध्यान में रखकर और उसे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन भाजपा नगर सेविका जया सिंह तिवाना द्वारा मुंबई के मलाड वेस्ट स्थित इन्फिनिटी मॉल में किया गया। इस कोरोना महामारी को मात देने के लिए एकमात्र उपाय जो है वह है वैक्सीनेशन। इससे लोगों को दूर ना जाना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए जया तिवाना ने वार्ड में ही वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कोरोना महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी के बीच आपके द्वारा वार्ड नंबर 47 के द्वारा वैक्सीन का उद्घाटन किया गया है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही खुशी की बात है। एक नगर सेवक का वार्ड नंबर 47 जया सत्तम सिंह तिवाना में ये अब मेरे वार्ड में तीसरा वैक्सीनेशन चालू हो रहा है। आज कार ड्राइव है, दो हमने वैक्सीनेशन राजस्थान समिति में फर्स्ट चालू किया, उसके बाद में चर्च औरलम चर्च के वहाँ सेकंड चालू हुआ और थर्ड यह चालू हुआ है कि लोगों को जितना जल्दी जो उपयोग हो जाए और अपनी जान बचा सके। और फैसिलिटी अनेक दौर से फैसिलिटी देना अपनी काम है कि कई लोगों को घंटों घंटी खड़ा रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। उम्र वाले लोगों को ये नहीं बर्दाश्त होता है ज़्यादा टाइम खड़ा होना, उनके पाँव के आजकल महिला का पाँव का पेन रहता है और कोई बीमारियाँ रहता है, उसमें ज़्यादा घंटों घंटी बैठना अच्छी बात नहीं है। तो मैं बोलती हूँ आज का जो कार ड्राइविंग है ना, तो बहुत ही अतिशय बहुत ही ऐसे बहुत कार ड्राइविंग का चालू होना चाहिए मुंबई में। अगर हम बात करें लॉगिन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि डायरेक्ट वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं सजेशन दिया था प्रगत समिति में कि आप लोग 50% वॉकिंग करिए और 50% रजिस्टर करिए, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई लोगों को समझ नहीं आता है और ख़ास करके जो अपना लोक वर्ग है या स्लम वाले, उनके पास में वो टाइप का फ़ोन नंबर रहता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करे वो लोग, और उनका इतना टाइम भी नहीं रहता है उनके पास में। सब जन बहुत ही अपने हालात पे गुजर रहे हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, घर के महिला भी अपना अपना गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन का टारगेट कितना दिया गया है? वैक्सीन का टारगेट कितना दिया गया है? कार्य अभी 100 ही दे रहे सब जगह। अगर हम मुंबई महामारी की बात करें, महामारी की बात करें तो वैक्सीन को कमी को लिए कमी होने नहीं, मुंबई में तो अच्छा है, मैं नहीं कहूँगी, मुंबई में अच्छा मिल रहा है। कहीं भी अभी तक तो कोई मुंबई से कोई आया नहीं कि हमारे पास। हाँ, 18+ बंद ही करके रखा हुआ है। 18+ मुझे दिया गया था, 6वां नंबर मेरा था वैक्सीन का राजस्थान समिति में, लेकिन 18+ बंद ही करने की वजह से हमें सीनियर सिटीजन दिया गया। हमने मांग किया था कि हमें सीनियर सिटीजन का दीजिए करके, तो हमारे वो मिला है। मैं एक ही बोलूँगी, सभी लोगों ने आगे आके अपना इंजेक्शन का डोज लेना चाहिए और उसके साथ साथ अच्छा से साफ सफाई, अपने हाथ भी साफ सफाई करना चाहिए, मुंह को मास्क बांधना छोड़ना नहीं चाहिए। और लोगों ने जो लोग अपने आजू बाजू के रहते कभी मास्क नहीं बांधा, उनको भी आप लोगों ने सजेशन देना चाहिए कि मास्क लगाना एक अपना कोरोना के लिए भी अच्छा है और ऐसा भी आज की जो हवा दूषित हवा है उसके लिए भी अच्छा रहता है। उसके लिए भी हमारे जो ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, कुछ कुछ निकल रहे, उससे अपना अच्छा तरीके से बचाव हो सकता है। अगर कोरोना महामारी की बात करें, जिस तरह से पुलिस और बीएमसी लोगों की मदद कर रही है, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? उनके लिए भगवान से हम ऐसे ही मांगेंगे कि उनको तंदुरुस्ती दे, अच्छा सब उनकी फैमिली के लिए भी अच्छा हिम्मत दे कि जो लोग बाहर निकल के जाते वो इतना लोगों का काम करते, इतना लोगों में रहते तो उनकी फैमिली चिंतित रहती है, तो ईश्वर उनको भी अच्छा से एनर्जी दे कि ये सब सहन करने की और इनको भी तंदुरुस्त रखे, यही भगवान से प्रार्थना। लॉकडाउन में क्या चालू रहेगा, क्या बंद रहेगा, जनता को क्या बताना चाहेंगे? मैं ऐसा बोलूँगी कि अभी जो लॉकडाउन है वो अभी मुंबई में बहुत सारे केसेस कमी हुआ है और इसी वजह से कि हर व्यक्ति समझती है कि लॉकडाउन करने से अच्छा भी है और बुरा भी है। जिस लोगों के धंधा एकदम ही खत्म हो चुके हैं, जो कहीं रेस्टोरेंटली लोग रहते उनका दुकानें रहते शॉप, वो शॉप चलाते और अपना घर चलाते, लेकिन शॉप 11 बजे के टाइमिंग होने से लोगों को चालू करते ही बंद करना पड़ रहा है 2 घंटे में, तो किसी का भी सेल हो नहीं रहा है। तो एक 35,000, 20,000, 30,000 का जो भाड़ा देना पड़ता है वो लोगों को परवड़ता नहीं है। जो लोग भाड़ा लेते हैं वो लोग तो अपना रेंट छोड़ते नहीं है, वो बोलते हमने भी बैंक का लोन लिया हुआ है तो हमें भी देना पड़ता है। ऐसे ये आप सोच समझ के जो अभी अपना सरकार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोच समझ के उसके ऊपर डिसीजन लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। नमस्कार, मैं सत्यनाम सिंह तिवाना भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ, एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती जया सत्यनाम सिंह तिवाना का
ये तीसरा सेंटर उन्होंने इस वार्ड में खोला और ये जो महामारी पूरे देश में कोविड की चल रही है उसके अंदर एक ही वार्ड में तीन सेंटर खोला है, चौथा भी शायद खुलने वाला है, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का सेंटर। ये तीनों वार्ड के अंदर एक राजस्थान सेवा समिति एवरशाही नगर, एक है ओरलम चर्च में और ये तीसरा सेंटर आज इसका जिसका उद्घाटन हुआ। धन्यवाद यहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 47 की। जिस तरह से हम बात करें मुंबई महाराष्ट्र में वैक्सीन कमी होने की वजह से हाहाकार मच गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी दुख की घटना है कि भाई अभी जब सेंटर इतने खुल गए महानगर पालिका के तरफ से, पर ये वैक्सीन की जो शॉर्टेज चल रही है इसका जरा दुख है सबको। ये वैक्सीन की हमें इस वक्त यहाँ पे 100 वैक्सीन दिए हैं आज के दिन उद्घाटन पर डे। ये ड्राइव इन का है। अगर हम बात करें वैक्सीन दिन पहले जो है हफ्ता उड़ा था, क्या था नकली वैक्सीन की वजह से इसलिए पब्लिक डरी हुई है, वैक्सीन लगाने से मना कर रही है और वैक्सीन के नाम से डर के भाग रही है, उसके बारे में क्या फील करना चाहेंगे वैक्सीन लगाने से? वैक्सीन लगाने से पब्लिक को डरना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे पब्लिक को फायदा ही होने वाला है। बहुत लोगों ने पब्लिक के दिमाग में ये धारणा डाल दी थी कि वैक्सीन लगाएंगे साइड इफेक्ट होता है, बट वैक्सीन अपने शरीर के लिए अच्छा है ये वैज्ञानिक लोगों ने प्रूव कर दिया है। और हमारे कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो महानगर पालिका की तरफ से आदेश आते हैं कि आप दूरी बनाए रखिए, मास्क डाल के रखिए, ये सब की आपको जरूरत है और ये आप इम्प्लीमेंट कीजिए इस चीज़ को। अगर जो मास्क नहीं लगा रहा है उन पर क्या करना चाहिए? उनके ऊपर फाइन लगाना चाहिए, मास्क नहीं चला रहे, फाइन के बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन लगने से जनता विरोध कर रही है, उसके बारे में क्या जनता को चेतावनी देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि लॉकडाउन जो कर रहे हैं इससे, क्योंकि हम तो सुधरने वाले नहीं इंसान, इसलिए थोड़ा प्रेशर रहता है कि हर एक चीज़ मेंटेन रहती है और ये फैलने से रुक जाता है सर। बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हमारी माननीय जया तिवाना मैम जी ने लिया है वार्ड नंबर 47 से, जो कि बहुत ही आगे जाके भी और भी बहुत सारे इस तरह के काम होंगे और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वॉकिंग भी हो और रजिस्ट्रेशन भी हो, ये दोनों के साथ ही चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, जानकारी मिल पाए, ये सब चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स है मानव जाति के लिए और बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग हैं सारे वो वैक्सीन लें, क्योंकि यही अभी सिर्फ साधन है जिससे कि महामारी के अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं। और विद एसोसिएशन बीएमसी के साथ मिलकर एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है जिसमें लोगों को वैक्सीन मिलेगी, तो ये बहुत ही खुशी का मौका है हमारे लिए कि हम बीएमसी के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को दे रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।